आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। धामनोत थाना प्रभारी द्वारा डीजे की पाबंदी पर धामनोत एसडीओपी को दिया ज्ञापन। धामनोत धर्मपुरी तहसील के 170 समस्त डीजे व्यवसायियों ने मिलकर शुक्रवार को धामनोत थाना पर पहुंचकर धामनोत एसडीओपी राहुल खरे को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बताया गया कि तकरीबन 1.5 साल से महामारी के चलते डीजे व्यापार पूर्ण रूप से बंद है। वहीं धामनोत थाना क्षेत्र में कहीं भी धामनोत थाना प्रभारी द्वारा डीजे का व्यवसाय नहीं करने दिया जा रहा, जिससे डीजे व्यवसायी अपनी आजीविका नहीं चला पा रहे। सभी डीजे से व्यवसाय पूर्ण रूप से बेरोजगार हैं। वहीं बहुत से डीजे वालों के लोन की किश्त की भरपाई नहीं हो पा रही, तो कहीं इंदौर से दुकानों से डीजे खरीद कर लाए, उनके डीजे वापस इंदौर के दुकानदार खींच कर ले गए। ऐसे में आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि त्योहारों और आने वाली शादियों में डीजे बजाने की अनुमति दी जाए ताकि हम अपना भरण पोषण कर सके, जिसे लेकर आज समस्त डीजे व्यापारियों ने धामनोत थाने पर एकत्रित हुए। धार धर्मपुरी से विशेष संवाददाता सोनू मीणा की रिपोर्ट। आज हम एसडीओपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। धर्मपुरी क्षेत्र के 170 डीजे संचालक, जिनकी आजीविका आप देख रहे हैं कि कोरोना काल से ही बंद पड़ी हुई है, जिन्हें जिनके घर वालों को भूखे मरने की नौबत तक आ गई है, और गवर्नमेंट शासन द्वारा इनको कोई अनुमति नहीं दी जा रही, जबकि रैलियां जुलूस बाकी सारे कार्य चल रहे हैं, अन्य व्यवसाय चल रहे हैं, लेकिन डीजे बंद। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें अनुमति दे, जो दिशा निर्देश जारी करेंगे उसके अनुसार हम डीजे चलाएंगे। और समस्या ये है कि जैसे प्रशासन पुलिस बल आके डीजे की गाड़ियों पर धाराएं लगाकर या हमारे डीजे रोककर हम पर जो केस करती है वो केस ना करे, वो आयोजक समिति जो हमें डीजे बुलवाते हैं उन पर करे। हम तो सिर्फ डीजे हमारा कार्य कर रहे हैं। संजय नालछा। आज धर्मपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत डीजे संचालकों द्वारा हमें ज्ञापन श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय के लिए ज्ञापन दिया गया है डीजे संचालित करने को लेकर, तो उस पर उसको उन लोगों के ज्ञापन को हम लोग ले लिया है और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। जो भी आदेश निर्देश होंगे आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर कहने के धामनोत पुलिस सख्ती से नियमों का पालन करवा रही, डीजे व्यवसाय बनने नहीं दे रही। ये तो अभी COVID-19 के गाइडलाइन के अंतर्गत सारी चीज़ें जो प्रतिबंधित है उसको पालन शासन प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है, ये हमारी भलाई के लिए। सर आपका नाम? राहुल खरे, एसडीओपी धामनोत।